हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आप अपने एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी स्टेप में हम बताएंगे कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए, तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा क्रोम में, चाहे आप मोबाइल से हो या पीसी पे। सबसे पहले अपना क्रोम ओपन कर लीजिए। क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एडसेंस अकाउंट। देखिए, यहाँ पे एडसेंस अकाउंट लिखने के बाद ये वेबसाइट है एडसेंस अकाउंट का, जो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहले पे आपको क्लिक करना है एडसेंस अकाउंट, गूगल एडसेंस, अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइज पे, इस पे क्लिक करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम साइन अप करेंगे। जिस भी आप जीमेल आईडी से गूगल एडसेंस बनाए होंगे, उस जीमेल आईडी से आपको साइन अप करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे एक बार। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब, योर यूट्यूब पेमेंट आर हो ऑन होल्ड। ठीक है, तो इस पे इसी को हम एक्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे पेमेंट पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, यूट्यूब पे क्लिक, एडसेंस फॉर यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो हमारा दिखा देगा कितना डॉलर है हमारा। देखिए, यहाँ पे $122 दिखा रहा है लास्ट पेमेंट पे। तो इसमें हम अभी बैंक अकाउंट नहीं ऐड किए हैं, तो अभी हम ऐड करेंगे बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले आपको पेमेंट पे क्लिक करना होगा। चलिए फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है मैनेज मैनेज सेटिंग पे। तो मैनेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए, अभी हमारा खुल रहा है, उसके बाद खुलेगा तब आपको हम दिखाएंगे। मैंने सेटिंग पे क्लिक किए हैं, थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए, मैनेज अकाउंट में नहीं ले रहा है, तो उसके बाद हम क्लिक कर देंगे एक्शन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक्शन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे ठीक बगल में दे रहा है हमारा हाउ टू गेट पेड, एड पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले इसी पे क्लिक कर देंगे, एड पेमेंट मेथड पे। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही खुलेगा हमारा ये जो नेक्स्ट पेज, उस पे हम आप लोग को बताएंगे कि अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट कैसे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड, तो हम आपको सबसे जल्दी, बहुत जल्दी भर कर दिखा देते हैं आपको कि कैसे भरना है, क्या क्या भरना है इसमें। अभी आपने कुछ समय पहले अपना फॉर्म देखा होगा, जो कि हम ठीक दिखा देंगे अभी। ठीक है, तो इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको भरना है नेम ऑन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आप जिस अकाउंट अपने नाम से अकाउंट खुलवाए होंगे, उस वही नाम सेम नाम रहना चाहिए, एकदम नाम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैंक नेम, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है बैंक नेम। ठीक, आपका कौन सा बैंक में आपका खाता है। ठीक है, तो आपका जिस भी बैंक में खाता रहेगा उस बैंक का आपको नाम लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आईएफएससी कोड। ठीक है, आईएफएससी कोड, जो कि आपके बैंक अकाउंट के पासबुक पे मिल जाएगा ये कोड। ठीक है, इसको भी आप बहुत आसानी से जल्दी भर दीजिएगा, बहुत केयरफुली काम करिएगा ताकि मतलब कुछ गलती ना हो। उसके बाद आपको भरना है सिफ्ट कोड, BIC। ठीक है, जो भी बैंक होगा उससे आप जाकर संपर्क कर लीजिए या नेट से फाइंड कर लीजिए। हम अगला वीडियो आपको बता देंगे कहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, नेट पे फाइंड करेंगे तो बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा आपको सिप कोड। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर। ठीक, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना, जो कि इसको भी बहुत ध्यान पूर्वक भरिएगा अकाउंट नंबर। ठीक है,
उसके एक बार भरने के बाद दूसरी बार फिर से भर दीजिएगा उसमें अकाउंट नंबर, रीटाइप अकाउंट नंबर, ठीक है। इसको करने के बाद आपको नीचे एक बॉक्स बना रहेगा, उस बॉक्स में एक बार आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सीधे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके टाइम लेने के बाद फिर से एक्सेस हो जाएगा, ताकि आपको फिर से दिखाई दे देगा कि आपका नेम दिखाई देगा, और मतलब जहाँ पे एड अकाउंट लिख रहा था वहाँ पे आपका एड बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे एड बैंक अकाउंट नहीं लिखेगा, आपको मैनेज का ऑप्शन दे देगा। उसके बाद आपको ठीक ऊपर दिखाई दे देगा कि आप मतलब बैंक आपका नाम, ठीक ऊपर आपका नाम दिखाई देगा ताकि आप बैंक अकाउंट ऐड कर चुके हैं। थ्रेड होल्ड मतलब जो भी हमारा पेमेंट था वो रुका हुआ था, तो उसको हम बैंक अकाउंट नहीं ऐड किए थे, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हम बैंक अकाउंट ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।